लेक्चर जितना भी क्वेश्चन करवा दिया हूँ, अगर उतना क्वेश्चन कर लोगे तो नीट में यार, तो ऑब्वियसली 100-150 क्वेश्चन अगर कर लोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें एक अनुभव मिल जाएगा। ये कहता है एक सर्किट है, ये सर्किट देख रहे हो, हर एक रेजिस्टेंस 3663 का ये लगा हुआ है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ये है ए एंड बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी हमें निकालना है। तो इस सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाए, देखो ऐसे रेजिस्टेंस निकालने के कई तरीके हैं, कई मेथड्स हैं, बट सबसे जो सिंपल और अच्छा वाला है वो रिडक्शन रिड्यूस करते चले जाते हैं। सीरीज पैरेलल को आंखों से देखने से लगता है कहाँ सीरीज है कहाँ पैरेलल है, तो वो रिड्यूस करते चले जाते हैं, फाइनली हमें मिल जाता है। बाकी बहुत सारे मेथड्स हैं और अभी अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं एक दो नया मेथड भी बता दूंगा। तो यहाँ से देखो, अगर यहाँ से बैटरी कनेक्ट करते हो प्लस और माइनस, प्लस माइनस बैटरी कनेक्ट करते हो, तो यहाँ से जो करंट जाएगी वो इस वाले रेजिस्टेंस में सेम रहेगी करंट। तो तीन और तीन सेम है सीरीज में है, तो तीन और तीन 6 हो गए, 6 हो गए, तो अगर ये 6 हो गए तो अब ये सर्किट मुझे ऐसे दिखेगी, ठीक है, समझ रहे हो, ये पहले 6 यहाँ लगा हुआ था, ये वाला 6, ठीक है, और इससे पहले ही इधर 3 लगा हुआ था 3 ओम, और एक और इधर लगा हुआ है यहाँ से, हाँ इसी पॉइंट से एक और 6 का इधर लगा हुआ है, ठीक है ए वाला, और एक और यहाँ लगा हुआ है 3 ओम का, और एक और यहाँ लगा हुआ है 6 ओम का, ठीक है, और एक और लगा हुआ है यहाँ 3 ओम का, और फाइनली ये पॉइंट इनके बीच एक लगा हुआ है वो 3 ओम का, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो ये दोनों मिल के भी 3 और 3 ये 6 हो गए। इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आए, तो ये भी 6 हो गए जोड़ के, 3 और 3 सीरीज में है, दैट इज 6, तो ये 6 हो गए, ठीक है। अब मन में साफ सॉल्व करते चले जाओ ओरली, तो ये 6 और 6 यहाँ देखोगे तो ये दोनों पैरेलल में है, तो 6 और 6 अगर पैरेलल में है तो 3 हो गए, ठीक है, तो ये अगर फिर से अगर बनाओगे तो ये 3 और ये यहाँ पर 3 और ये यहाँ पर ये 6 और 6 और दोनों 6 हैं तो 2 हैं, दैट इज 3 पैरेलल में आ जाएंगे, 3 हो गया ये, और एक यहाँ से लगा हुआ था 6 का और एक लगा हुआ था यहाँ और 6 का, ठीक है, और ये इधर 3 का और एक इधर 3 का, ठीक है, और इनके बीच ये लगा हुआ है 3 का, ठीक है। तो अगर ये देखोगे ये 6 का ये वाला और ये 6 का ये वाला और ये 3 का और ये 3 का, तो ये फिर अगर देखोगे ये प्लस टर्मिनल ए है और माइनस टर्मिनल ए है, तो ये 3 का और 3 का, तो 3 और 3 का कितना हो गया भाई, 3 और 3 का 6 हो गया भाई, ऐसे चलता चला जाएगा, ओरली कर सकते हो ना तुम, देखो 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 और 6 पैरेलल में 3, 3 और 3 अगेन 6, 6 एंड 6 अगेन 6, 3, 3 एंड 3 6, तो 6 एंड 6 अगेन 3, तो 3 और 3 अगेन 6, 6 और ये 6 और 3 और दोनों पैरेलल में, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 9, दैट इज 2 ओम इसका सलूशन है, ठीक है। तो ऐसे हजार बार बनाने से अच्छा ओरली दिमाग में सॉल्व कर लो ना, ठीक है। तो ये 3 और 3 कितने हो गए बोलो, 6 और 6 और 6 पैरेलल में, ठीक है, कितने हो गए 6 और 6 पैरेलल में 3 हो गए, फिर 3 और 3 के साथ 6 हो गया, तो 6 और 6 अगेन हो गए अपना पैरेलल में 3, और फिर 3 और 3 6 हो गए, तो फाइनली 6 और 3 पैरेलल में, दैट इज 2 ओम इसका सोल्यूशन है। ये रिड्यूस करते चले जाओ, चलो नेक्स्ट। एक नेटवर्क है, चलो ये एक मतलब अच्छा सा क्वेश्चन, ये जनरली बच्चे डाउट में लेके आते